हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आज का दिन मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी और मुझे पता है आप लोग भी बहुत ज़्यादा इस दिन का वेट कर रहे थे। कोई भी नई चीज़ें देखने में जितने अच्छे लगते हैं उससे ज़्यादा उसे एक्सपीरियंस और उससे एक्सप्लोर में करने में अच्छा लगता है। सो चलो आज मैं जा रही हूँ दुमका पार्क। सो 30 अक्टूबर को ये ओपनिंग हो चुका है, जो कि चीफ गेस्ट थे हमारे राज्य के माननीय श्री हेमंत सोरेन जी, इनके द्वारा ओपनिंग किया गया है। तो चलो देखते हैं क्या क्या नई चीज़ें वो पार्क में मिलती है। चलो एक एक चीज़ जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, चलो एक्सपीरियंस कराती हूँ। यहाँ से यहाँ टॉयलेट का भी अब जा सकते हो इधर। ये आप लोगों को बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, ये बंदर जुड़ी राजभवन के बगल में है ये जगह। तो ये जो आप लोगों को तालाब दिख रहे हैं, यहाँ पर दुमका आई लव दुमका लिखा हुआ, थोड़ा सा दिखाना। और आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और चलो इसके बाद से ना ये तालाब दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये तालाब है ना, मतलब पुराने हैं तो काफ़ी अच्छा से मतलब इसको इसका कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया, मतलब सजाया गया है। सो ये ऐतिहासिक तालाब है, आप लोग बोल सकते हैं। एक टाइम में यहाँ पर है ना छठ पूजा मनाया जाता था, आप लोग देख सकते हैं, दिखाओ ना थोड़ा। तो ये क्या बोलते हैं, खोटावन के जैसे ही कर दिया है, छतरी बनाया गया है। और चलो चलो उधर घूम के आ जाते हैं, स्टैचू के पास जाएंगे क्या। और यहाँ पर बगल में नीमत है कुछ म्यूजियम पता नहीं, चलो ना देख के आते हैं इस घर में क्या। तो चलो यहाँ पर थोड़ा नई चीज़ देखने को मिल रही है, इस तरह के प्लांट जो है, कितना प्यारा प्यारा प्लांट है यहाँ पर लगाया गया है। चलो मैं इसके अंदर मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ। वाह देखिए, ये चीज ना बहुत अट्रैक्टिव चीज बनाया गया है। देखिए यहाँ पर शेर है, हिरन है, देख सकते, ये बच्चों को ना बहुत ही अट्रैक्टिव कर गई है। सांप भी है, सांप देखिए, ओह माय गॉड, बहुत ही अच्छा। तो इसमें झारखंड के प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाया गया है और ये हमारे दुमका के प्रमंडल है। तो देखिए मतलब कितने अच्छे पेड़ पौधों से भरा, ऐसे हमारे झारखंड जो है ऐसे है दिखने में। देखा क्या, देखा दिख तो रहा है, अरे बहुत अच्छा है, इसीलिए इतना टाइम लगा शायद इसको ओपनिंग करने में ना, ये सब ना। जो अगर मेरा वीडियो को पहली बार देख रहा है तो चैनल को जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और प्यारा सा कमेंट कर देना। मुझे सहानुभूति मिलती है, सहानुभूति मिलती है और आगे बढ़ने का हौसला। और मुझे ना कहीं कहीं ना लग रहा है कि मैं आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर सक रही हूँ, इसीलिए अब क्या ही बोलूँ, चलो आगे चलते। अरे ये वाला तो पहली बार मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा रही हूँ, घास का पहाड़। पत्थरों का पहाड़ तो होता है लेकिन घास का पहाड़ मैं दिखा रही हूँ। अरे कितने अच्छा, कितने क्या सकते हैं, ये वाला घास ना कितना सॉफ्ट है, कितना उठाना है ना।
इसको डिजाइन किया गया है इतना तो तैयार, इतने मस्त लग रहे हैं। ओ माँ, यहाँ पर थोड़े दाम दिए, चलो मैं दिखाती हूँ। जिम के एक्टिविटी एरिया में आप लोगों को लेके चल रही हूँ। इसको ऐसा करते हैं ना। तो आज तो मैं सुबह सुबह रोज मॉर्निंग वॉक करने आऊँगी, यहाँ एक्सरसाइज करूँगी ताकि मेरे भी नहीं बॉडी बनाने नहीं आऊँगी, मैं किस लिए बनने आऊँगी। वो गिर गई, बहुत मज़ा आ रहा है। स्पेशली गाइज जो दुमका के हैं तो जिनके बच्चे हैं उन लोगों को मैं रिकमेंड करूँगी, सजेस्ट करूँगी आके यहाँ अपने बच्चों को एक्सरसाइज करवा सकते हैं। तो दैट्स इट, आप लोग देख सकते हैं ये वाला। ओह ये साइकिल है, बाय साइकिल, मेरे थोड़ा देर के लिए बच्चे बन जाते हैं। ओह माय गॉड, फटाफट से आओ यार, नई से नई चीज़ें देखने को मिल रही है यहाँ पर। बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चों की एक्सरसाइज की एक्टिविटी यहाँ पर है, आप लोग करा सकते हैं जो बच्चे। अरे बाबू क्या नाम हुआ तुम्हारा? तो यहाँ पर आकर अच्छा लग रहा? अच्छा लग रहा है ना, सब आता है, रोज आता है। और तुम्हारा नाम क्या हो? यहाँ पर आए कर लो ना, पर ऐसा करो और बोलो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, ऐसे बोलो ना, बोल रहा हूँ। हाँ 43 चक्कर वक्कर नहीं आते तुम लोग को? मजा आता है, बहुत मजा आता है ना। ये पार्क जो खुला तो तुम लोग को ऐसा लग रहा है ना, पहले हम लोग यहाँ पर मछली पकड़ते थे, मछली पकड़ता था पहले, फिशिंग करता था। बेसिकली हमारे जो एक्सरसाइज है बहुत अलग अलग तरीके से होते हैं और उसके बहुत अलग अलग फ़ायदे भी हैं। तो वही इस स्टैचू के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अब अगर एक्सरसाइज करते हो तो आप फिट रख सकते हो, किस टाइप के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा फर्ज नोटिस है, बोर्ड बनाया, देखो अलग अलग पोजेस का अलग अलग नाम भी दिया गया है। तो गाइस यहाँ पर बैठे थक गए हैं, मतलब ये थोड़ा सा बड़ा है और ये ए साइड में आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये जो पेंट किया हुआ है, मतलब सच में हर तरह से ये पार्क ना हर जगह से ये समझ में आ रहा है झारखंड को दर्शा रहा है, मतलब हमारी झारखंड तो कितना प्यारे हैं, हरा भरा, मतलब पेड़ पौधों से भरे। सो गाइस मैं आप लोगों को पार्क दिखाई और मुझे बहुत अच्छा लगा, और फाइनली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि हमारे दुमका में इतने अच्छे पार्क अभी तक बने नहीं, बने तो वो फ्लॉप होता जा रहा है। तो यही है अब लता पार्क जो बहुत अच्छे हैं, तो आप लोग भी एंजॉय करो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, कीप सपोर्टिंग में, मिलते हैं बहुत अच्छे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ये पर ब्लॉग एंड करती हूँ।